welcome back to Runga Vlog. I'm in the new place, Atti Farm. You wanna know the best part is Roma, the village girl. देखिए ये लोग सब कोई यहाँ से जा रहे हैं और बहुत सारे लोग आए और ऊपर में तो इतने सारे लोग हैं कि पूछिए मत। यहाँ पे ना बैठने के लिए जगह नहीं है। एक स्टेशन है छोटा छोटा सा, आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए पूरा ब्लॉग देखिए। और सब मुझे ऐसे घूर रहे ना, बोलने का मन नहीं करा, कुछ नया दिखा दो। चलिए मैं एक सिनेमैटिक लुक निकालते हुए, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बहुत 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 दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए शायद मैं व्लॉगिंग के लिए निकली नहीं थी घर से। सो आज मैं आप लोग को एक प्यारा सा और सुंदर सा प्लेस आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। सो मैं आप लोग को लेके आई हूँ अट्टी फार्म। सो ये जगह ना इतना ज़्यादा मतलब फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आप चाय बागान देख सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और साथ ही साथ इसमें ये 4 चंद लगाने वाली सीढ़ियाँ, आपको मैं अपना जो स्ट्रगल है यहाँ तक पहुँचने का वो दिखाऊंगी। एक तो मुझे जगह पता नहीं होता, हर जगह न्यू चूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद से उसमें लोकेशन ट्रैक करो, फिर इतने ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते में मुझे पहुँचना पड़ता है। सो आप लोग को पूरे वीडियो में वो देखने को मिलेगा। सो मैं बस अभी अपना इंट्रो शूट कर लेती हूँ और आप वहाँ पर देख सकते हो कि लोग आए हुए हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। यहाँ पे मुझे और एक चीज़ दिखा, ये जो आप देख सकते हो वायर, ये बहुत फुल वोल्टेज में, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर कुछ लग जाता है तो इंसान गया भाई। सो वैसे वो दूर में है, उससे कोई मतलब नहीं है। सो हाँ, यहाँ पे जो दुल्लाजान का व्यू है ना, यहाँ से आप बाखूबी यहाँ से उसका नज़ारा ले सकते हो। आप देख सकते हो यार कितना ही सुंदर है। मैं बस एक प्लेस में खड़ी होकर ये व्यू कैप्चर कर रही हूँ और आगे आगे जाऊँगी, पता नहीं क्या क्या मिल सकता है। सो चलिए लेके चलती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या आगे और क्या क्या है। यहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ होती है ख़त्म और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पर गाइस और एक चीज़ मुझे देखने को मिला, तो ये सीढ़ियाँ ख़त्म होते होते आप लोग को यहाँ पर दुर्गा मंदिर देखने को मिलेगा। सो मैं अभी पूजा नहीं कर सकती क्योंकि चिकन खाया था। सो किसी भी पूजा में या मतलब श्रद्धा के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये जो लाचित बरफुकन का यहाँ पे दिया व्या जलाया जाता है, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी नहीं जला पाऊँगी। इस वर्ष पूरा होने के कारण इनका जो तिथि मनाया गया है और हर स्कूल में भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया था। सो ओवरऑल व्यू यहीं पर है और यहाँ पर कुछ लोकल यहाँ के लोग बैठे हुए देख सकते हैं। अभी मैं आप लोग को और कुछ नया सा कवर करके देती हूँ गाइस। एडवेंचर वाला फील आ रहा है। अच्छा मैं ये तो मुझे दार्जिलिंग जैसा लग रहा है। मैं आज आप देख मुसीबतों का सामना करते हुए अभी मैं आप लोगों को झरने के पास लेके जाने वाली हूँ। झरना है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों को नदी जरूर दिखाऊंगी। गाइस मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैं एडवेंचर के लिए आई हूँ, वो भी 250 का ट्राइपॉड लेके एडवेंचर करने आना। जूम करो कैमरा मैन, वीडियो का चक्कर भी इसको मैंने गिरा दिया। इधर आ, तू भी आ, तू भी गिर, इधर आ, इधर आ। गाइस नहीं होगा, आ जाओ, आ जाओ। खिलाड़ी, इधर आ, इधर मेरा पीछे पीछे आ। तो मुझे यहाँ पे कुछ मिल गया एक्सपेंसिव एडवेंचर का सामान हमें। अरे तू आराम से आ रहे बहन। यहाँ पर लात रखो, यहाँ पर लात। ऐसे पे फाइनली ये वाला जो ऊपर से लेके नीचे तक आने वाला सेक्शन है वो ख़त्म होता है। और यहाँ पे हम लोग साउंड को सुन सुन के आए, लेकिन एक प्रैंक हो गया गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए झरना। यो ऐसा झरना आप लोगों ने कभी देखा है? यार मुझे वो झरना मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने तो वीडियो फोटो में देखा था। ये देखिए झरना दिख रहा होगा ना आपको। चलिए ढूंढते हैं इतना आगे और सही। गाइस तो मैं यहाँ पे आई थी झरने के तलाश में, लेकिन मुझे झरना मिला नहीं। मेरे साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। और ऊपर में आप देख सकते हो कि अभी भी आ रहे झरने के तलाश में आ रहे हैं, उन लोगों को भी कुछ नहीं मिलेगा। आप सीज़न में आओ
बारिश के मौसम में शायद तब मिल जाए, क्योंकि अभी कोई बारिश का सीज़न है नहीं, इस वजह से मिल नहीं रहा। मतलब छोटा सा एक नाला टाइप मिला है जो कि हमारे गली में भी और हमारे घर के साइड में भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल लुक यहाँ का यही है। अब मैं आपको अलग साइड से इसका व्यू देती हूँ। गाइस किस मूड से आई थी और मूड का हालत आप देख सकते हो, पूरा बैंड बजी हुई है। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे बैठी हुई हूँ, बहुत शांति है और बहुत अच्छा हवा भी चल रहा है। ऊपर बैठे हुए हैं कुछ लोग। अगर आप लोग में से किसी को भी एडवेंचर करना पसंद है ना, इस प्लेस में ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये मेरा व्लॉगिंग जो है एडवेंचर जैसा ही होने वाला है। फुल टू एडवेंचर था। आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा पसीना निकल चुका है मेरा यार, बट यहाँ पे थोड़ा सा सुकून सा मिल रहा है। सामने यहाँ पे मंदिर भी है, दुर्गा मंदिर। मैं आप लोगों को यहाँ से बैठे बैठे एक व्यू दे रही हूँ। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि अमेजोन वाले जंगल पे हम लोग आ चुके हैं। मैंने बुलाया और मैंने लगा दिया। चल झूठी, मैंने बुलाया। मैंने यहाँ पे ना एडवेंचर करने के बाद में यहाँ पे विश्राम के लिए तीन टेबल दिया गया है और इस तरीके की बोतल दी गई है। और ये जैकेट मेरा, ये घर से लाई थी मैं, यहाँ पे दिया नहीं है। बोर लगने की जरूरत नहीं, हो जाएगा भाई। अभी गाइस मैं यहाँ से निकलूंगी और मैं यहाँ का चना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी और आगे जाके देखते हैं। मतलब कुछ सूट ही नहीं हुआ है आज को, पता नहीं क्या होगा। तब देख सकते हैं कि बहुत लोग अभी धीरे धीरे करके आए हैं। इतना ज़्यादा स्टेप चढ़ने के बाद में ये वाला स्टेशन मिलता है आप लोग। अभी लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो चलिए कुछ नया कवर करते हैं। ये रहा जो सिटी, जो प्लेस मैं आप लोग को विजिट कराने वाली थी। सो मैं आप लोग को ओवरऑल यहाँ का लुक दे देती हूँ। सो ये ऊपर वाला सेक्शन है और मैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पता चलेगी। हे गाइस, तो पता नहीं मैं आप लोगों को क्या क्या और क्या ही एक्सप्लोर कराऊं, क्योंकि यहाँ पे ना आपको ज़्यादातर बगान, इस तरीके का चाय बगान आप देख सकते हो। सो ये है हमारे असम की चाय की खेती जिसके बारे में मैं बोल रही थी। सो आप लोग में से बहुत सारे लोगों के एरिया में तो होगी ही, बट ये वाला टिपाम का जो चाय बगान है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए लगता, मतलब इसका कुछ अनोखा इसलिए, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे सीढ़ी दी गई है, मतलब पता नहीं मैंने काउंट तो नहीं किया कितने सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, बट चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जाती है। मतलब एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप जैसे ही वहाँ पर बैठोगे, उसके बाद भी सीढ़ी है, उसके बाद भी सीढ़ी है, तो सीढ़ी का सफ़र जो है ख़त्म ही नहीं होगा। और ये चारों ओर जो है बगान है जो मैं आप लोग को कवर करवा रही हूँ। सो आप लोग बताना कि ये वाला वीडियो जो है आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो। तो मैं हूँ असम से और मैं अपने असम के चाय की खेती को आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। तो आप लोग बताना कि ये वाला वीडियो कैसा लगा, और आप लोग कहीं से हो सो प्लीज़ हमारे असम आइए और ऐसे चीज़ों का भी एक्सप्लोर कीजिए। गाइस, तो आप लोग को आज का वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे कुछ अच्छे से ब्लॉग के साथ। चलो गाइस, बाय बाय टिपम। बहुत अच्छा लगा आके, बहुत ज़्यादा एडवेंचर था गाइस। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए ना आप लोग कंटेंट बताओ यार, कुछ आप लोग भी हेल्प करो, अदरवाइज हम लोग एक फैमिली जो है। बाय बाय गाइस।